रेडिएशन, रेडिएशन भी एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से आपका लंग्स या बॉडी का कोई भी निजाम मुतासर हो सकता है। आगे चलें जी, कुछ ऐसी चीजें हैं कि वो कहते हैं ऑडियोपैथिक हो सकती हैं, बल कॉज फैक्टर तो खुदा ने जो बीमारी पैदा की उसकी कोई ना कोई वजह पैदा की, ये आपने तलाश करना है कि आप उस वजह तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। वो कहते हैं ऑडियोपैथिक पुलमोनरी फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस हो जाता है कि वो जो मैंने आपको स्पेस का बताया उसके अंदर एक ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है कि वो रिजिड हो जाता है और उसके में अंदर जो जो सांस खींचने की जो कैपेसिटी है उसके अंदर वो ख़त्म हो जाती है, लिहाजा वो जो ट्रांसेक्शन होती है वो नहीं होती। एक्यूट इंटीशियल निमोनिया हो सकता है, नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल निमोनिया हो सकता है, सार्कोइड हो सकता है। सार्कोडोसिस एक बीमारी है, सार्कोडोसिस एक बीमारी है जिसमें आपके लिफ नोड जो है वो स्वेल कर जाते हैं, पूरी जो लिफ नोटिक एक पूरा निज़ाम है आपका, जैसे आपका ब्लड का सिस्टम है, जैसे आपका नर्वस सिस्टम है, इसी तरह हमारा एक लिम्फेटिक सिस्टम है जो पूरी बॉडी में इसी तरह एक जाल फैला हुआ है, उसके अंदर स्वेलिंग आ सकती है और उसको हम सार्कोडोसिस कहते हैं। क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया हो सकता है। तो ये वो आइडियोपैथिक कॉजेज हैं जो वो कह रहा है कि इसका हमें नहीं पता ये क्यों होता है। आगे चलते हैं जी, हार्ट डिजीज, रीनल डिजीज में आगे इसकी बात कर चुका हूं।